हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं लेटर लिखने का सबसे इजी तरीका। और आज हम जिस लेटर की बात करने वाले हैं, आपको पता है लेटर दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आज हम फॉर्मल लेटर लिख करके आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप लेटर लिख सकते हैं एकदम इजी मॉडल में। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जानना है कि किस तरह से फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, लेटर के टाइप्स आपको जानने हैं, तो आप हमारी इसके पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। इसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके लिंक के द्वारा आप जा सकते हैं वहाँ पर। तो आज की जो वीडियो है वो आपको फॉर्मल लेटर लिखने का पूरा तरीका बताएंगे और उसको लिख करके भी पूरा आपको बाकायदा दिखाएंगे। तो ये आपके सामने बेसिकली क्वेश्चन है जिसमें है कि राइट ए लेटर टू इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफिस टू अंडरटेक एडक्वेंस सेफ्टली मेजर बाय रिप्लेसिंग द इंस्टॉलमेंट एंड रिसोर्स एंड रिजल्टिंग इन फ्रीक्वेंट वे में। यानी कि लेटर आप लिखिए अप्लीकेशन जो इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफिस है वहाँ पर, और आप वहाँ की सेफ्टी को मेजर करते हुए जो पुराने चीज़ें हैं उसको रिप्लेस करवा के, पुरानी जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको रिप्लेस करके नया लेके आए ताकि शॉर्ट सर्किट की समस्या कम हो। तो इस बारे में इसको किस तरह से हम लेटर लिख सकते हैं उसको हम एक एक करके जानने वाले हैं कि किस तरह से हम बेसिकली लेटर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है, अगर लेटर लिखना होगा तो हम सबसे पहले बाएं तरफ से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, सेंडर का एड्रेस यानी अपना खुद का एड्रेस, क्योंकि हम सेंड कर रहे हैं। तो सेंडर का एड्रेस लिखते हुए हम लिख दिए C190 दयाल बाग कॉलोनी नई दिल्ली। उसके बाद आपको एक लाइन ब्लैंक छोड़ना है और उसके बाद आपको डेट लिखना है। डेट हम लिख दिए हैं, मान लिया 22 फरवरी 2019 को हम लिख दिए। तो आप 22 फरवरी 2019 को इसी तरह से लिखेंगे, आप 22/2/2019 नहीं लिख सकते, ऐसा लिखने पर आपके मार्क्स कट जाएंगे, गलत हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर से एक ब्लैंक लाइन छोड़ना है और उसके बाद रिसीवर का एड्रेस लिखना है। रिसीवर का एड्रेस हम लिख रहे हैं द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, क्योंकि हम इंजीनियर के पास भेज रहे हैं। वो कहाँ का इंजीनियर है उसको लिखना है, इलेक्ट्रिक सप्लाई स्टेशन दयालबाग नई दिल्ली का। इसके बाद जब हम रिसीवर का एड्रेस लिख देंगे, इसके बाद हमें लिखना है एक ब्लैंक लाइन छोड़ते हुए नीचे से, सबसे पहले रिस्पेक्टेड वर्ड लिखना है, जो रिस्पेक्टेड वर्ड है यानी कि डियर सर लिख दिया हमने। और इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ करके सब्जेक्ट लिखा। ये जो तरीका है ये आपका लेटेस्ट CBSE पैटर्न का तरीका है। इससे पहले हम क्या करते थे, डियर सर से पहले हम सब्जेक्ट लिखते थे फिर डियर सर लिखते थे, लेकिन नया जो पैटर्न है इसमें सबसे पहले आपको डियर सर लिखना है फिर सब्जेक्ट लिखना है। जो सब्जेक्ट आपका होगा वो 4 से 6 वर्ड्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट में क्या, बैड कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्टॉलमेंट, इलेक्ट्रिक का जो इंस्टॉलमेंट है उसके बैड कंडीशन के बारे में हमारा सब्जेक्ट है, इस बारे में हम लेटर लिख रहे हैं। अब लेटर लिखना शुरू करते हैं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट इट इज ए स्टेट वी आर ए टोटल ऑफ 500 फैमिलीज रेजिडेंट इन आवर कॉलोनी। कह रहा है बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूँ कि हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पर कुल 500 फैमिली रहती हैं। दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट वी आर फेसिंग ए सर्विस प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग इंस्टेंस ऑफ पुअर इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो कह रहा है कि हम जो आपको नोटिस भेज रहे हैं कि हम जो है वो पावर की इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है उसकी कमी का जो प्रॉब्लम है उसकी समस्या से हम जूझ रहे हैं और इस बारे में हम आपको अवगत करा रहे हैं इस नोटिस के जरिए। उसके बाद आगे देखिए, कह रहा है इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, यह बड़े ही कंसर्न का बड़े ही ध्यान देने वाला मैटर है। क्या पहले आपको पहला जो पैराग्राफ है आपको पता है वहाँ तक लिखा है सप्लाई तक, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आपको इससे दिक्कत क्या हो रहा है, जो लाइट की सप्लाई आपको नहीं मिल पा रही है उससे दिक्कत क्या हो रहा है, आपको अपनी प्रॉब्लम लिखना है। सेकंड पैराग्राफ आपके सामने दिख रहा है तो लिखना है इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, यह बड़े ही ध्यान देने योग्य बात है। एंड आई मस्ट से दैट द अथॉरिटी इज़ पेइंग नो अटेंशन टू इट। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो अथॉरिटी है इससे रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से, वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इट इज़ जनवरी एंड फरवरी, यह जनवरी फरवरी का महीना है। एंड एग्जाम्स आर एट हैंड, यानी कि एग्जाम जो है वो सर पर हैं, बहुत नज़दीक हैं। इन आवर लोकेलिटी, हमारी लोकेलिटी में देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर अपकमिंग एग्जाम्स। हमारी जो लोकेलिटी है यहाँ पर तमाम सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, और उनका एग्जाम उनके सर पर है क्योंकि जनवरी फरवरी का महीना है। और आगे देखते हैं आपको क्या लिखना है। एंड ड्यू टू द फेथफुल
एंड ड्यू टू द फॉल्टी एंड ओल्ड इंस्टॉलमेंट शॉर्ट सर्किट ओकर ऑफ्टन दैट रिजल्ट टू द इनटू द कट ऑफ पावर, पावर कट कह रहा है। और इस खराब और पुराने इंस्टॉलमेंट के कारण जो इंस्टॉल्ड है इनके कारण इंस्टॉल शॉर्ट सर्किट हमेशा होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है कि पावर कट जाता है, जिससे कि जो विद्यार्थी हैं जो लोग हैं उनको दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, उनको पढ़ाई करनी है, तो इससे लाइट की कमी का उनको शिकार होना पड़ता है और बार बार उनके लाइट कट होते रहते हैं। इतना लिखने के बाद अब आपको बताना है कि वो किस तरह से आपका हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में कैसे लिखेंगे। देखिए तो उसमें लिखना है आपको उनको अवगत करवाते हुए कि सो यू मस्ट लाइक यू मस्ट लुक इनटू द केस एंड रिप्लेस द ओल्ड इंस्टॉलेंस एज सून एज पॉसिबल कह रहा है कि इसलिए आपको इस केस में इस केस को ध्यानपूर्वक लेना चाहिए और इसके जो पुराने चीज़ें हैं पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं इस लाइट से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड उसको रिप्लेस करवाना चाहिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के एग्जाम्स सर पर हैं। फिर इसके बाद हमें क्या लिख सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स टू आवर लोकल अथॉरिटीज़ कह रहा है, वी हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है क्या कंप्लेंट आवर लोकल अथॉरिटीज़ हमने अपनी लोकल अथॉरिटीज़ को कंप्लेन ऑलरेडी दे दिया है। दे आर ऑलवेज गिविंग अस एम्प्टी प्रॉमिस कह रहा है, वे हमेशा से ही हमें खाली वादा करते आ रहे हैं एंड डूइंग नथिंग और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सो काइंडली लुक इनटू द मैटर पर्सनली इसलिए कृपया करके आप पर्सनली इस मैटर को हैंडल कीजिए, इस मैटर को देखिए। इफ़ यू डू द नीडफुल यदि आप काम की चीज़ें ये महत्वपूर्ण कार्य अगर आप करते हैं तो वी शैल बी थैंकफुल टू यू हम आपके लिए धन्यवाद देंगे। उसके बाद नीचे लिखना है आपको लेफ्ट साइड में योर फेथफुली, उसके बाद आपको नीचे उसके अपना नाम लिख देना है। इस तरह से आप कोई भी लेटर लिखते हैं तो इसका फॉर्मेट यही है कि सबसे पहले आपको सेंडर का एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस, फिर डियर सर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लिखना है। इस तरह से जब आप लिखेंगे तो आपका कोई एक नंबर भी नहीं काट सकेगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसी ही वीडियोज़ लगातार मिलती रहेंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।